देख रहे हैं क्विक न्यूज, मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। आज बात करेंगे आंध्र प्रदेश में होने वाली भारी बारिश की और उसकी वजह से आई आंध्र प्रदेश में तबाही की। आंध्र प्रदेश में इन दिनों बारिश के चलते भारी तबाही की स्थिति है। कई जगह से घरों के टूटने, मौतों की और लापता होने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में राज्य के अनंतपुर जिले के कादरी कस्बे में देर रात भारी बारिश के कारण एक पुरानी 3 मंजिला इमारत ढह गई। इस दुर्घटना में 3 बच्चों की और एक वृद्ध महिला की मौत भी हुई है। ये दुर्घटना देर रात 3 बजे की है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और अभी भी ये देखा जा रहा है कि आखिर और कितने लोग इस मलबे में दबे हैं। इमारत के मलबे में अभी तक 4 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की संभावना है। सर्कल इंस्पेक्टर सत्य बाबू ने ये जानकारी दी है। मामले में अधिक जानकारी की अभी भी प्रतीक्षा जारी है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। बारिश के चलते हुई दुर्घटनाओं में पूरे राज्य में अब तक 25 मौतें हुई हैं, जिसमें से कड़पा में 13 और चित्तूर में 4 मौत हुई हैं। इस आपदा में अब तक 17 लोग लापता हो गए हैं। इस दौरान सार्वजनिक संपत्ति का अनुमानित नुकसान 8,206.57 लाख रुपए है। 14,237 लोगों को सुरक्षित बचाकर निकाला गया है। इन दुर्घटनाओं में 544 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 1779 भेड़े खो गई हैं। लोगों के लिए कुल 213 राहत शिविर लगाए गए हैं, जिसमें इस समय 19,859 लोग हैं। इस समय मौके पर एयरफोर्स, NDRF, SDRF और पुलिस मौजूद हैं। उन्हीं की मुस्तैदी की वजह से कई लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया है। आज रेस्क्यू टीम ने चुनौतियों के बीच कुल 64 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है, लेकिन 4 राज्यों में फिर 243 रिलीफ कैंप खोल दिए गए हैं। वहां पर कई लोगों को मदद की जा रही है। अब तक शनिवार को बारिश में कमी जरूर आई है, लेकिन कई जगहों पर पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। जानकारी मिली है कि कुल 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं प्रभावित राज्यों में सड़कों को भी भारी नुकसान हो चुका है। बारिश से बुरी तरह प्रभावित हड़प्पा में 3.4 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है। राज्य में 559 बड़े और 600 छोटे मवेशी लापता हो चुके हैं, जबकि 10 की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल NDRF की टीम ने 6 गांवों से संपर्क बहाल कर लिया है। बचाव कार्य भी फिलहाल जारी है। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ और देखते रहिए क्विक न्यूज।